Hello, dear students. Welcome to my channel Zero Tutorial. In this video, I am going to solve this question number two from exercise 4.1, and from this chapter quadratic equation, part third. And you can watch all the parts from this question uh, from the playlist of this channel. And let me know if you have any doubt regarding any chapter or uh, from any class.

एज का प्रोडक्ट हो जाता है सालों में वो 360 होता है एंड वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहनस प्रेजेंट एज हमें पता करनी है तो लेट इज फाइंड तो हम देख सकते हैं सबसे पहले जो पूछा गया है रोहनस की प्रेजेंट एज क्या होगी तो मान लेते हैं लेट रोहंस प्रेजेंट एज बी एक्स एंड यू कैन सी हेयर रोहन की जो माँ है वो छब्बीस साल बड़ी है रोहन से मतलब हम कह सकते हैं मदर्स एज इज एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स मतलब रोहन से छब्बीस साल बड़ी है मतलब एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स नाव वट क्वेश्चन इज गोइंग टू से इज तीन साल बाद फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आगे चलकर यानी अब अब तक तीन साल के अंदर या आगे तो इन थ्री इयर्स जो रोहन की एज होगी प्रेजेंट एज के मुकाबले में वो हो जाएगी एक्स प्लस थ्री और रोहन की जो माँ हैं उनकी एज हो जाएगी एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स तो अभी है और तीन साल बाद मतलब थ्री से थ्री ईयर्स एड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन अब वॉट देग इज प्रोडक्ट जो है तीन साल में वो थ्री सिक्सटी हो जाता है मतलब ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट एज तीन साल में इसकी एज ये है और तीन साल में उनकी माँ की एज एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन है तो ये प्रोडक्ट में कितने बर, आ, कितना हो जाता है थ्री सिक्सटी हो जाता है अब इसको रिजॉल्व करेंगे हम ये दोनों ही पारिनोमियल हैं तो एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन से मल्टीप्लाई होगा मतलब हम एक्स को मल्टीप्लीकेशन में लेके आएंगे एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन के साथ और थ्री भी मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन के साथ तो ऐसा मल्टीप्लीकेशन ले के आया जाता है ठीक है तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स इंटू ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन एक्स हो जाएगा थ्री इन्टू एक्स थ्री एक्स हो जाएगा थ्री इंटू ट्वेंटी नाइन एट्टी सेवन हो जाएगा और थ्री सिक्सटी आगे बढ़ेंगे तो जब मैं इसको स्टैंडर्ड में लेके आऊँगा ये दोनों प्लस में है थर्टी टू प्लस हो जाएगा और एट्टी सेवन और जब ये इधर आएगा तो थ्री सिक्सटी माइनस में चला जाएगा अब हमें क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता पर ये दोनों कांस्टेंट है तो 360 सिक्सटी माइनस एट्टी प्लस माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 एंड 15 सेवन और टू तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 273 हमारे पास आ गया ठीक है अब हमें क्या करना है हमें तो पता करनी है इनकी आप रोहन की मतलब एक्स एक्स ही तो मैंने रोहन की प्रेजेंट एज को माना है तो वह हमें पता करना है मतलब एक्स की वैल्यू अब तरीका वही है स्प्लिट करना है हमें थर्टी टू को ठीक है कैसे स्प्लिट करना है हम इसका जो कॉन्स्टेंट है और ये जो इसका जो कॉफिशेंट है और ये जो कॉन्सटेंट नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं मतलब ये तो यही रहने वाला है फिर हम क्या करते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो टू सेवेंटी थ्री क्योंकि ये आ, क्या दो से तो जाएगा नहीं मतलब थ्री का मल्टीपल है ये तो थ्री नाइन ज ट्वेंटी सेवन थ्री वन ज थ्री अगेन ये थ्री से जाएगा आ, नहीं जाएगा ये सेवन से जाएगा तो सेवन इंटू थर्टीन और थर्टीन अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए हा आया है टू सेवेंटी थ्री का वो थ्री सेवन और थर्टीन है अब इनके इस्तेमाल से हमें क्या करना है थर्टी टू को स्प्लिट करना है ठीक है तो किस तरह से करते हैं हम कि मल्टीप्लाई करें यानी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 273 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाए थर्टी टू तो देखेंगे कि अगर हमें यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता क्या हो सकता है सेवन टी था ट्वेंटी वन होता है और ये होता है थर्टीन और यहाँ प्लस करने पे तो ये हो जा रहा है हमारा बहुत ज़्यादा नंबर देन हम दूसरा पैटर्न अपनाएंगे और देखेंगे थर्टी को थ्री से कर दें तो थर्टी नाइन और उसमें माइनस सेवन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा थर्टी टू हाँ हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं थर्टी टू को हम लिख सकते हैं थर्टी नाइन एक्स माइनस सेवन एक्स ठीक है क्योंकि हम देखेंगे थर्टी नाइन को अगर मल्टीप्लाई करें सेवन से तो टू सेवेंटी थ्री आ रहा है और थर्टी नाइन को सेवन से मल्टी माइनस कर दें तो हमारे पास थर्टी टू आ रहा है यही हमें चाहिए था ठीक है तो हमें मिल गया अब हम क्या करते हैं इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं तो इन दोनों में सिर्फ एक्स ही कॉमन हो सकता है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्योंकि बाहर आ चुका है तो एक्स प्लस थर्टी नाइन बचेगा आपको याद रखना है कि ये चीज़ तो यहाँ पे दोबारा आती ही है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस का सेवन कॉमन होने वाला है इक्वल टू ज़ीरो तो जो दो बार होता है यानी एक्स प्लस थर्टी नाइन दो बार है तो उसको एक बार लिखा जाता है और एक्स माइनस सेवन जो बचा है उसको लिख लेंगे इक्वल टू जीरो है हम क्या करते हैं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स प्लस थर्टी नाइन को एक बार जीरो करेंगे और देखेंगे जब तो, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या है एज नेगेटिव नहीं हो सकती तो अब हम एक्स माइनस सेवन को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें सेवन की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है इसका मतलब कि देयर फोर जो रोहन की प्रेजेंट एज है रोहनस क्योंकि जगह नहीं है आप फेयर अच्छे तरीके से कर लोगे मुझे मालूम है प्रेजेंट एज इज सेवन ईयर्स यानी रोहन अभी इस वक्त सात साल का है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस तरह के सवालों को किया जाता है फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़